HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हजबा अनपढ़ हैं, लेकिन उनके अंदर गांव के अशिक्षित बच्चों को पढ़ाने की लगन है। बच्चों को पढ़ाने के लिए कर चुके हैं अपने परिवार से कई समझौते। फल बेचने वाले हरे काला हजबा हर रोज सुबह सुबह संतरों की पेटी लेने के लिए 25 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। वह पिछले 30 सालों से रोजाना मंगलौर जाते हैं और वहां से फल लेकर आते हैं। खास बात यह है कि अपनी जिंदगी के पिछले 15 सालों में हजबा अपनी कमाई गरीबों की शिक्षा और उनके लिए स्कूल खोलने में लगा देते हैं। हजबा बताते हैं कि उनकी जिंदगी में यह बदलाव तब आया था जब एक विदेशी दंपति ने उनसे अंग्रेजी में बात करने की कोशिश की थी, लेकिन हजबा को सिर्फ स्थानीय भाषा ही आती है, इसलिए वे उस अंग्रेज दंपति से बात नहीं कर पाए थे। उनके जाने के बाद काफी देर तक हजबा सोचते रहे कि वे अंग्रेजी में बात क्यों नहीं कर सके। उन्हें लगा कि अगर उन्होंने भी अच्छे स्कूल में पढ़ाई की होती तो शायद उन्हें अंग्रेजी बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती। हजबा ने इसके बाद प्रण लिया कि वह नहीं पढ़ पाए तो क्या हुआ, उनकी आने वाली पीढ़ी कम से कम शिक्षा से वंचित न रहने पाए, और इसके लिए उन्होंने अपनी कमाई का एक हिस्सा अपनी कॉलोनी के बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजने लगे। हजबा ने सबसे पहले अपनी कॉलोनी के उन बच्चों को पढ़ाने का काम किया जो कभी स्कूल ही नहीं जा पाए।